भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। निमित्त उपादान की चर्चा अपनी यहाँ विगत दिनों से चल रही है और अभी तक हम लोगों ने क्या समझा, अपन लोगों को अब सिर्फ दो क्लासेस मिलने वाली हैं, एक आज की और एक कल की। बस इन दो क्लासेस में अपन को निमित्त और उपादान समझना है। इसीलिए अभी तक जिस स्पीड से अपन चले हैं, हो सकता है कि उस स्पीड में ना हो, हम बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। आज हम पूरे उपादान की चर्चा कर लेंगे, माने उसके भेद प्रभेद की, और कल हम विषय छोड़ेंगे निमित्त की चर्चा करने के लिए। तो इसीलिए आप लोग आज थोड़ा अलर्ट हो जाइए, एग्जाम्पल्स थोड़े से कम होंगे, आपकी तरफ ध्यान भी थोड़ा सा कम होगा। ध्यान इन द सेंस, अगर जैसे दो लोग बात भी कर रहे होंगे ना, तो मैं टोकूंगा नहीं, रोकूंगा नहीं, उनको करने दूंगा, क्योंकि वो मैं अपना उस समय उस चीज़ में बर्बाद नहीं करूंगा, आप लोगों से भी नहीं पूछूंगा, ठीक है। तो आज ये थोड़ा पहले ही बता दिया कि ये सब नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज हमें स्पीड से चलना है। आज हमें उपादान के जो त्रिकाली उपादान, क्षणिक उपादान, फिर क्षणिक उपादान के भी जो भेद प्रभेद हैं, सबसे पहले तो हम परिभाषात्मक रूप से परिचय हो, फिर परिभाषा के बाद जो उसकी डेप्थ होगी, तो मैं चाहूँगा कि हम और आप उसकी डेप्थ में जाएं, और फिर डेप्थ में जाना पड़ेगा तो फिर उसके लिए हमें समय भी देना होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आप लोग अपने नोट्स निकाल लीजिए, अपने विषय वस्तु निकाल लीजिए, अभी तक जो पढ़ा हुआ है उसे रिविज़न कर लीजिए, और आज हम उपादान की चर्चा करेंगे। अभी तक आप लोगों को चर्चा ख्याल में तो है ना, इतने दिनों में हमारी क्या चर्चा हुई? सबसे पहले हमने विचार किया था कारण कार्य व्यवस्था के बारे में, फिर हमने और आपने विचार किया कि जैन धर्म के अनुसार जो प्रत्येक कार्य का कारण है वे दो हैं, एक वास्तविक कारण और एक उपचरित कारण। वास्तविक कारण को क्या कहते हैं? उपादान, और उपचरित कारण को निमित्त। फिर इसके बाद हमने उपादान और निमित्त की परिभाषा भी देखी थी, जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हो वह उपादान, और जो स्वयं तो कार्य रूप परिणमित ना हो लेकिन कार्य की उत्पत्ति में अनुकूलता का आरोप जिस पर आए, ठीक है, इसके लिए हमने बहुत अच्छे से समझा था। फिर एक ही कार्य को उपादान की अपेक्षा से उपादेय कहते हैं, और एक ही कार्य को, ध्यान से सुनना, उसी एक कार्य को निमित्त की अपेक्षा से नैमित्तिक कहा जाता है। कार्य दो अलग अलग नहीं होते, कारण दो अलग अलग कहे जाते हैं। अब इसके बाद बढ़ते, हमने ये भी देखा था कि निमित्त नैमित्तिक संबंध हमेशा दो द्रव्यों में होता है, और उपादान उपादेय संबंध हमेशा एक ही द्रव्य पर घटित होता है, वह द्रव्य स्वयं ही उपादान है और स्वयं ही उपादेय है, तो एक ही द्रव्य हुआ। जबकि निमित्त और नैमित्तिक संबंध जो है वो हमेशा कितने द्रव्यों पर घटित होगा? दो द्रव्यों पर। इसका मतलब ये हुआ, निमित्त नैमित्तिक संबंध जो है अध्यात्म में क्यों इसको माने कहें ये कह के छोड़ दिया जाता है, अरे ये तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, क्योंकि अध्यात्म की एक बहुत बड़ी रीड कहें, बेस कहें, वो ये है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, और ये निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या करता है? एक द्रव्य को कर्ता अथवा कारण दूसरे द्रव्य को कहता है, बताता है। इसीलिए अध्यात्म में, इसीलिए द्रव्यान योग में कदाचित कभी कभी कदम कदम पर ऐसा कहा हुआ हमें मिल, अरे ये तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, लेकिन उसका प्रयोजन हमें भेद विज्ञान ही समझना चाहिए। क्योंकि कुंद कुंद आचार्य, मैं बहुत आज ना गरिष्ठ भी हो सकती है, इसलिए मैंने आपको पहले बोला मैं एग्जाम्पल नहीं दूंगा, रेफरेंसेस नहीं दूंगा, टू द पॉइंट बात करूंगा। क्योंकि कुंद कुंद आचार्य को भी जब ये समझाना पड़ा, जब ये बताना पड़ा कि कोई किसी का कर्ता नहीं है, एक बहुत प्रसिद्ध है, मैं थोड़ा सा बोलूंगा और आप सब लोग मेरा साथ देने लग जाओगे,
हम दादा के प्रवचन में बार बार सुनते हैं, बोलो मरण और उत्पत्ति आदि के संदर्भ में जो गाथाएं हैं, निज आयु क्षय से मरण हो, बस बस पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। अगर निमित्त सर्वथा निषेध्य होता तो कुंद कुंद आचार्य ने भी निमित्त के माध्यम से ही परिचय कराया। क्या 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 कराया सुनो, कुंद कुंद आचार्य को भी जब ये समझाना पड़ा ना कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को मार नहीं सकता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को बचा नहीं सकता, तो भी उन्होंने किसके माध्यम से ज्ञान कराया, निमित्त के। क्यों? आयु क्या है, आयु कर्म क्या है हमारे जीवन और मरण में, निमित्त है। तो जो तथाकथित अपने आप को द्रव्यानों का बहुत बड़ा माने ऐसे कहते हैं और निमित्त की उपेक्षा ही करते चले जाते हैं, प्रयोजनवश करना अलग बात है, उसकी सत्ता ही स्वीकार नहीं करना अलग बात है। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कुंद कुंद आचार्य की इन गाथाओं को कि जब कुंद कुंद आचार्य को यह समझाना था कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को मार नहीं सकता, जला नहीं सकता, बचा नहीं सकता, तब कुंद कुंद आचार्य ने निमित्त के माध्यम से ही ये बात हमें और आपको समझाई। वे चाहते तो ये भी कह सकते थे कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को मार नहीं सकता क्योंकि जम जस जम्मी देसे, ठीक है, आप तो जानते ही हैं उन गाथाओं को। अब वापस आ जाइए, तो आज हम बात करने वाले हैं उपादान की, कल हम बात करेंगे निमित्त के बारे में। आप लोगों ने एक पता है एक वाक्य सुना होगा, अपर पक्ष वाले लोग माने अन्य पक्ष वाले लोग अथवा हम कहें विरोधी लोग ऐसा बोलते हैं जो जिन्हें निमित्त ही सर्वथा कहें अथवा ऐसा कहें कि निमित्त ही उन्हें कर्ता भाषित होता है, वे पता है क्या कहते हैं, वे ऐसा कहते हैं कि साहब निमित्त तो त्रिकाल विद्यमान रहता है, निमित्त तो पहले से नहीं सॉरी उपादान तो त्रिकाल विद्यमान रहता है, उपादान तो पहले से ही विद्यमान रहता है, जैसे जीव तो तुम अनादि काल से थे, सम्यक दर्शन प्राप्त करने की सामर्थ्य तुम में अनादि काल से थी, लेकिन बेटा कब हुआ, तभी हुआ ना जब तुम भगवान के समम शरण में गए। छायिक सम्यक दर्शन कब होगा, तभी होगा ना जब तुम केवली और श्रुत केवली के पाद मूल में जाओगे, उसके बिना तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। तो बेटा उपादान तो धरा का धरा ही रह जाता है, उपादान तो त्रिकाल विद्यमान रहता है, उस त्रिकाल विद्यमान उपादान से कोई मतलब नहीं है जब तक निमित्त ना हो। हमें और आपको भी पता है क्या लगता है, जल्दी जल्दी में जा रहे हैं इसीलिए मैंने आपको पहले, हमें और आपको पता क्या लगता है कि उपादान का मतलब तो ये होता है कि जो त्रिकाल रहे त्रिकाल रहे त्रिकाल रहे, अरे ये भी उपादान है लेकिन इतना ही उपादान नहीं है। ख्याल में आया क्या कहा, ये तो उपादान है ही लेकिन इतना ही उपादान नहीं है, तो इसीलिए हमें उपादान भेद प्रभेद यहां पर समझने होंगे। चलिए अब बात करते हैं उपादान के, हमारे आचार्यों ने दो भेद किए, एक त्रिकाल उपादान और एक क्षणिक उपादान। जो लोग ये कहते हैं कि उपादान तो त्रिकाल विद्यमान रहता है, वो किसको देखते हैं, मात्र बस त्रिकाल उपादान को अथवा त्रिकाली उपादान को ही देखते हैं, बल्कि उपादान के तो एक और भेद भी है क्षणिक उपादान, जिसके आगे जो भेद होंगे वो अपन आगे आगे धीरे समझते जाएंगे। चलिए सबसे पहला कौन सा है, त्रिकाली उपादान, इसे त्रिकाली उपादान कहते हैं और इसे क्षणिक उपादान कहते हैं, जल्दी जल्दी में समझ लेना। इसे द्रव्य शक्ति कहा जाता है और इसे पर्याय शक्ति कहा जाता है। यह द्रव्य शक्ति होने के कारण नित्य होती है, यह पर्याय शक्ति होने के कारण अनित्य होती है, क्योंकि पर्याय है तो नित्य पर्याय नित्य नहीं हो सकती, क्योंकि यह द्रव्य है इसलिए यह द्रव्य नित्य नहीं हो सकती, लेकिन द्रव्य और पर्याय ये शक्ति दोनों नित्य हैं। समझ में आ गया क्या कहा, मैं सेंटेंस रिपीट कर लूंगा ध्यान देना, द्रव्य शक्ति नित्य है और पर्याय शक्ति का स्वरूप समझें तो अनित्यता के माध्यम से समझते हैं, लेकिन द्रव्य और पर्याय ये दोनों ही शक्ति नित्य हैं, नित्य हैं माने अनादि काल से हैं। अब इसका भाव अगर आपको नित्य अनित्य समझ में आता होगा वो धीरे धीरे आता जाएगा, अभी आगे बढ़ते हैं। त्रिकाली उपादान, त्रिकाली उपादान इसको हम और आसान करें ना, त्रिकाली उपादान का मतलब होता है उस वस्तु में वैसा द्रव्य होना और उस वस्तु में वैसा गुण होना। ये त्रिकाली उपादान एक द्रव्य को मुख्य करता है और एक पर्याय को मुख्य करता है, यहां द्रव्य और गुण दोनों आ गए। जैसे अपन
पहले मिट्टी वाले उदाहरण पर ले लेते हैं, फिर सम्यक दर्शन रूपी कार्य पर भी घटित करेंगे। जैसे मिट्टी रूप घड़े रूपी कार्य की उत्पत्ति होगी, आप लोगों ने वो निमित्त उपादान वाले नाटक देखे होंगे अथवा निमित्त उपादान के संवाद पढ़े होंगे। तो जब जब कुम्हार ये कहता है कि मैंने घड़ा बनाया, मैंने घड़ा बनाया, तब तब जो उपादान की तरफ से होते हैं ना, वो यही कहते हैं कि अगर निमित्त से ही कार्य होता है तो तुमने इस मिट्टी से ही घड़ा क्यों बनाया, ये लो रेतीली मिट्टी और इससे घड़ा बना कर दिखाओ। यहाँ अभी निमित्त उपादान की झांकी भी लगी हुई थी, उसमें भी यही समझाया गया था, ये लो रेतीली मिट्टी लो और इससे इससे बना के दिखाओ। तो ये रेतीली मिट्टी को जो पकड़ा जाता है, ये रेतीली मिट्टी क्या है, इसका मतलब घड़ा किसका बन सकता है, घड़ा किसका बन सकता है। यहां कहा जा रहा है कि जिस मिट्टी में घड़े बनने रूप योग्यता विद्यमान होती है, क्योंकि हर मिट्टी का घड़ा नहीं बनता। आप लोग साइंस में ये पढ़कर आए हैं, बहुत तरीके की मिट्टी होती है, आपने प्रोजेक्ट्स भी बनाए होंगे तरह तरह की मिट्टी के, है ध्यान आ रहा है, पढ़कर आए हो। चलिए, तो इसका मतलब बहुत तरीके की मिट्टी होती है, मिट्टी तो हम सामान्य कथन कर देते हैं, लेकिन हर मिट्टी की खासियत अलग अलग होती है और ये खासियत ही स्वभाव है। पॉइंट टू बी नोटेड, ये खासियत ही स्वभाव है और ये स्वभाव ही त्रिकाली उपादान है। इसे पता है अध्यात्म की भाषा में एक और शब्द बोला जाता है, आप लोगों ने इसे, हम थोड़ा जल्दी में है इसलिए आप लोग ध्यान देना, मैं ना एग्जाम्पल थोड़े कम दूंगा, आपको पहले ही बोल दिया था। त्रिकाली उपादान को ही नियम सार की भाषा में कहें तो इसे कारण शुद्ध पर्याय कहा जाता है। सुना है ना, कारण शुद्ध पर्याय, कार्य शुद्ध पर्याय, है ना, ये सारी बातें जो कही जाती है ना, इस त्रिकाली उपादान को ही नियम सार की भाषा में हम कारण शुद्ध पर्याय कहेंगे। इसमें और आपके लिए आसान करें तो इसमें स्वभाव पकड़ा जाता है। चलो मैं थोड़ा इजी करता ही हूँ, है ना, मैं नहीं चाहता कि सारी चर्चा आपके ऊपर से बाउंस कर जाए। स्वभाव, इसकी कोई इंपॉर्टेंस है, स्वभाव की कोई इंपॉर्टेंस है? जैसे मैं आप लोगों से दो तीन प्रश्न पूछूंगा जिनके उत्तर आप लोग मन में ही देना, जरा सोचो, जरा विचार करो। आप लोग यहां पर इस हॉल में विद्यमान हैं, अगर सम्यक दर्शन की बात करने की बात आएगी तो मैं आपसे पूछूं कि क्या इस स्टैंड को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, इस स्टैंड को, इस सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, स्टेबल को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, इस मार्कर को मोक्ष मिलेगा? चलो मैं इस मार्कर से मोक्ष लिख देता हूं, अब तो मोक्ष मिलेगा इसे, क्यों, क्यों, क्योंकि जड़ है, जड़ है तो क्या हुआ, जड़ है तो क्या हुआ, इसके माध्यम से उत्तर बोलो, क्योंकि इसमें इसका त्रिकाल स्वभाव ऐसा ही है। हमें और आपको बहुत, आपको पता है जब मैं लघु जैन सिद्धांत प्रवेश के पढ़ाता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे बच्चे प्रश्न, भाई साहब आप लोगों ने पढ़ा होगा ना लघु जैन सिद्धांत प्रवेश का, में अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय, इनके स्वभाव और विभाव भेद किए जाते हैं। जीव और पुद्गल, इन दोनों की तो स्वभाव और विभाव अर्थ और व्यंजन पर्याय होती हैं। समझ में तो आ रहा है, ऊपर से तो नहीं जा रहा है ना, आप लोग इशारा करोगे तो मैं समझाऊंगा, ठीक है, ऐसे अगर बाउंस करने लग जाए ना तो ऐसे इशारा कर देना, वरना तो मैं फ्लो फ्लो में चलता चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा मैटर है, मतलब विषय है अपने पास और क्लासेस कम है। तो अपन ने लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में ये पढ़ा कि धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इनकी तो स्वभाव रूपी परिणमन होता है, परिणमन मतलब पर्याय, इनका तो स्वभाव ही परिणमन होता है। तो आप में से बहुत सारे लोग ये प्रश्न उस वक्त मुझसे कर, भाई साहब इन्हें मोक्ष क्यों नहीं होता, इन्हें भी मोक्ष करा दो, जीव को क्यों मोक्ष हो रहा है, परमाणु को क्यों नहीं मोक्ष होता, परमाणु तो स्वभाव है, स्कंद विभाव है, तो परमाणु को क्यों नहीं मोक्ष हो जाता, धर्म को मोक्ष क्यों नहीं हो जाता। अगर आपको निमित्त उपादान को पढ़ने के बाद भी अगर इसका उत्तर नहीं मिले तो समझना आपने निमित्त उपादान नहीं पढ़ा। निमित्त उपादान कुछ कह रहा है आपसे, और उपादान में भी त्रिकाली उपादान कुछ कह रहा है, और त्रिकाली उपादान ये कह रहा है कि एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कार्य के होने में, सम्यक दर्शन रूपी कार्य आप में ही होगा, जीव में ही होगा, पुद्गल में नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जीव में सम्यक दर्शन प्राप्त करने की त्रिकाल स्वभाव विद्यमान है, और पुद्गल में सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करने का त्रिकाल स्वभाव विद्यमान है। यह किसी के साथ पक्षपात नहीं किया गया है, आप लोगों को ख्याल में आ रहा है,
किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ कि जीव को प्रायोरिटी दी गई है और पुद्गल आदि द्रव्यों को प्रायोरिटी नहीं दी गई, अथवा उन्हें निग्लेक्ट कर दिया गया। ये सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? स्वभाव का। तो कोई आपसे पूछे कि इस माइक को सम्यक दर्शन क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका स्वभाव ही नहीं है। क्यों साहब, स्वभाव क्यों नहीं है? सुनो सुनो, सम्यक दर्शन क्यों नहीं होगा? चलो, सम्यक दर्शन किसे होता है? छह द्रव्यों में से। सम्यक दर्शन छह द्रव्यों में से किस द्रव्य को होता है? जीव द्रव्य को। ये जो आपने कथन किया ना, ये त्रिकाली उपादान। सम्यक दर्शन जीव को तो होता है, लेकिन उस जीव के किस गुण की पर्याय है? श्रद्धा गुण। ऐसा जीव हम और आप हैं, ऐसा गुण हम में और आप में विद्यमान है। यह द्रव्य और गुण, माने जीव द्रव्य की श्रद्धा गुण के परिणमन का नाम ही सम्यक दर्शन है। पुद्गल ना जीव है और ना उसमें श्रद्धा गुण है, इसीलिए उसमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि उसमें स्वभाव नहीं है। हाँ ठीक है भाई साहब, स्वभाव होने से क्या होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? आपको पता है इसकी कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है? आप लोगों को एक बात की तो महिमा आनी ही चाहिए, और आती भी होगी कभी कभी। जरा सोचो, हम लोग कहाँ से आए हैं, हमारा अतीत क्या है, हमारा पास्ट क्या है। हमारा और आपका सबका एक ही पास्ट है, वो एक ही हेडक्वार्टर से हम और आप निकल के आ गए हैं, उस निगोद से ही हम आए हैं। सोचो, विचार करो, अपन अनादि काल से, हम इस मनुष्य पर्याय में तो अनादि काल से नहीं है ना? है क्या आप में से कोई अनादि काल से? 18 साल के, 17 साल से हैं हम। अब जरा सोचना, अनादि काल हम निगोद में रहे, बहुत बहुत काल हमने 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय पर्यायों में, टोडरमल जी ने पीटिका में कहा, ठीक है, आप लोगों को याद होगा कि हमने कितना कितना काल इन इन गतियों में व्यतीत किया, कितना कितना समय हमने इन इन गतियों में व्यतीत किया। तो एक बात बताओ भाई साहब, स्वभाव थोड़ा सा तो घिस गया होगा ना, थोड़ा सा तो कमी आ गई होगी ना। हाँ, वो बात तो बिल्कुल सही है कि आत्मा सिद्ध समान शुद्ध है, बात तो सही है, लेकिन अब थोड़ा घिस गया होगा। बोलो, ये आत्मा कभी ऐसे घिसता है? क्यों नहीं घिसता? कभी सोचो, भगवान बनने की सामर्थ्य, अथवा जीव का जीवत्व, जीव के अनंत गुण, कभी भी किसी भी काल में, बुरी सी बुरी परिस्थिति में भी, ऐसा क्यों नहीं होता कि पुद्गल रूप हो गए? सोचो सोचो, विचार करो। माने जिस त्रिकाली उपादान को, हाँ, ये तो ठीक है, स्वभाव है, ये तो अनादि से विद्यमान है, जिसको हम ऐसे हवा में उड़ा देते हैं, उसका काम कितना बड़ा है। काम समझ में आ रहा है कितना बड़ा है? आज अपन जो कहते हैं ना, हमारा स्वभाव ज्यों का त्यों है, जो केवल ज्ञानी है वही मैं हूं, जो मैं हूं वही केवल ज्ञानी है, मम स्वरूप है। सुनो भैया, ये जो आपका स्वरूप सिद्ध समान आज तक रहा ना, सोचो किन किन पर्यायों में गए हम। उन उन पर्यायों में गए जब जब हमें जीव भी नहीं माना गया, जीव भी नहीं माना गया। बोलो, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय आदि को कौन जीव मानता है? आप चलते फिरते व्यक्ति को इन्हें जीव मानता है? आलू में अनंत जीव में भी, अभी जैनियों को समझाने में पसीना छूट जाता है कि उसमें भी जीव है, जीव ही नहीं मानते। सोचो, हम और आप जीव उन पर्यायों में भी गए जब हमें किसी ने जीव भी नहीं माना। पॉइंट टू बी नोटेड, जब कोई हमें जीव नहीं मान रहा था, जब कोई हमें जीव नहीं मान रहा था, तब भी हमारा स्वभाव कैसा था? तब तो आधा था, तब तो आधा था, तब तो आधा होगा ना। आप लोगों ने वो अध्यात्म के कितने सारे पद्य सुने हैं, जो निगोद में सोही मुझ में सोही मोक्ष। सोचो तो किन किन को लिया? सिद्ध परमेष्ठी को, सबसे सुप्रीम सोल, एकदम शुद्ध आत्मा है जो, उनको लिया। फिर उनके बाद हमें और आपको लिया, जो दिन रात राग द्वेष और कषायों में मलिन है, और हमारे बाद किने लिया? निगोदिया को। और तीनों को किस कैटेगरी में खड़ा किया? एक समान, एक समान। बोलो, किस किसके माध्यम से ये कथन किया जाता है? ये जो स्वभाव के माध्यम से कथन किया जा रहा है ना, वो स्वभाव वैसा का वैसा ही विद्यमान है। यह है उसके त्रिकाली उपादान। वो स्वभाव कब भी था, कब कब था? सुनो, ऐसा नहीं होता कि जब हम मनुष्य बनते तब हम में वो स्वभाव आ जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड, ऐसा नहीं होगा कि जब हमें तीर्थों की प्रकृति बन जाएगी तब हमारे अंदर वो स्वभाव आ जाएगा। अभी तो हम और आप पापी हैं, अभी थोड़ी ना भगवान के जैसे हैं।
अभी तो थोड़ी ना हमारी आत्मा शुद्ध है, जब हम तीर्थंकर प्रकृति बांध लेंगे, चक्रवर्ती बन जाएंगे, कामदेव बन जाएंगे, ऐसे बड़े बड़े नारायण प्रति नारायण बनना है, तीसरे नरक में है अभी, तो हम जब ऐसे ऐसे पद मिल जाएंगे तब तो हमारी आत्मा स्वभाव रूप हो जाएगी। नहीं, निगोद में भी, अभी भी और सिद्ध में भी। ये कब देखो, इसीलिए तो कहा ना त्रिकाली, 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 तीनों काल में, तीनों काल में, पास्ट में भी, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी। अब टॉपिक चेंज कर रहा हूं। ये त्रिकाली उपादान पता है हमें कितनी अच्छी समझ दे देता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप सभी लोगों को सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, ठीक है साहब, हम सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, बताइए कैसे करना है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, हाँ हाँ साहब जल्दी बताइए कैसे करना है। सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो तुम्हें उसकी सेवा करनी पड़ेगी। तो फिर ये क्या हुआ? चलो, आपको पता है इस त्रिकाली उपादान ने क्या बताया? सम्यक दर्शन रूपी कार्य की उत्पत्ति इसी द्रव्य में होगी। जैसे आप लोग, हम और आप एक भजन पढ़ते हैं, क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी, बस बस इतना ही मुझे बोलना था। क्यों गिरनार और काशी क्यों जाता? तो नहीं जाना चाहिए। क्यों जाता सम्मेत शिखर, क्यों जाता गिरनार? अच्छा, तो फिर हम सम्मेत शिखर नहीं जाएंगे, फिर तो हम गिरनार नहीं जाएंगे। लेकिन सुनो, अगर सम्यक दर्शन रूपी कार्य की उत्पत्ति करनी है तो तुम्हारे सम्यक दर्शन रूपी कार्य की उत्पत्ति उस शिखर जी में नहीं भरा पड़ा है। कुछ पॉइंट समझ में आ रहे हैं? सम्यक दर्शन तुम्हें करना है कि शिखर जी को करना है? सोचो, किस द्रव्य को? द्रव्य को पकड़ेंगे ना, द्रव्य किसे पकड़ना है बोलो? कल्याण तुम्हें करना है कि भगवान को करना है? सम्यक दर्शन की प्राप्ति हमें करनी है कि भगवान को करनी है? तो भगवान को तो नहीं करनी ना, भगवान का तो कल्याण नहीं करना ना, और शिखर जी को मोक्ष थोड़ी ना दिलाना है। तो सुनो, इस त्रिकाली उपादान ने बताया कि किस द्रव्य में होगा, किस द्रव्य में होगा, किसी भी अन्य द्रव्य में नहीं होगा, किसी भी अन्य, इसको मैं अच्छी भाषा में बोलूं, द्रव्य शक्ति, इसे द्रव्य शक्ति अपन ने नाम दिया था ना, द्रव्य शक्ति ने यह बताया कि इसी द्रव्य में कार्य होगा। त्रिकाली उपादान क्या कह रहा है? कोई भी एक पर्टिकुलर कार्य लेंगे तो वो इसी द्रव्य में होगा। जैसे सम्यक दर्शन रूपी कार्य लेंगे तो किस द्रव्य में होगा? जीव द्रव्य में ही होगा। किस जीव द्रव्य में होगा बोलो? जीव तो आप भी हो, जीव तो हम भी हैं बोलो, जीव तो भगवान भी हैं। किस जीव द्रव्य? तो जिस, सुनो, सम्यक दर्शन, आप लोगों ने ईष्टोपदेश पढ़ा होगा तो वहां उन्होंने सिद्धि किया आत्मा ही आत्मा का गुरु है। पता है कैसे सिद्धि किया उन्होंने? ऐसी सिद्धि किया, हित कौन चाहता है? हम चाहते हैं। कल्याण कौन चाह रहा है अपना? हम चाह रहे हैं। मार्ग कौन समझेगा? हम समझेंगे। उस पर आचरण कौन करेगा? हम करेंगे। तो कौन हुआ फिर गुरु? तो फिर आत्मा ही तो आत्मा का गुरु हुआ। जब आत्मा ही अपना कल्याण चाहता है, आत्मा को ही उस कल्याण करने की इच्छा होती है, आत्मा ही उस कल्याण करने के मार्ग पर प्रशस्त होता है, और मार्ग पर प्रशस्त होने पर उस आत्मा का ही कल्याण होता है, तो फिर गुरु कौन हुआ किसका? द्रव्य, द्रव्य को पकड़ा उन्होंने। यहां पर भी हम इस द्रव्य शक्ति ने क्या बताया कि इसी द्रव्य में कार्य होगा। फिर तुम गिरनार क्यों जाते हो? क्योंकि द्रव्य तो अभी भी यहां है ना। पॉइंट समझ में आ रहा है ना? सम्यक दर्शन के लिए कहा जा रहा है, यात्रा का निषेध नहीं किया जा रहा है। जब सम्यक दर्शन रूपी कार्य की उत्पत्ति होनी है तो द्रव्य तो विद्यमान है, हमारा और आपका द्रव्य वहां जाकर थोड़ी ना आएगा, ठीक है? इस त्रिकाली उपादान ने हमें यह बताया कि इसी द्रव्य में कार्य होगा, और त्रिकाली उपादान ने यह बताया कि यह इसी गुण का कार्य होगा। जैसे सम्यक दर्शन पर घटित करो, श्रद्धा गुण का कार्य होगा कि नहीं होगा? और श्रद्धा गुण का कार्य क्या है? निर्णय होना। हम और आप पता है क्या करते हैं सम्यक दर्शन के लिए? ठीक है साहब, सम्यक दर्शन करेंगे, चलो ग्रंथ खोलो, बस अब इन्फॉर्मेशन बढ़ाने लग गए, अब वो ज्ञान बढ़ाने लग गए। हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि ज्ञान गुण के पंडमन का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। सच सच बताना, जब जब आपको सम्यक दर्शन का विकल्प आया भी होगा और आपने पुरुषार्थ के नाम पर कुछ करने की सोची भी होगी तो आपने ज्ञान ही बढ़ाने की सोची होगी। लेकिन ये त्रिकाली उपादान बता रहा है कि ज्ञान गुण की पर्याय का नाम सम्यक दर्शन नहीं है।
श्रद्धा गुण के परिणमन का नाम सम्यक दर्शन है, और श्रद्धा गुण के सम्यक परिणमन का नाम सम्यक दर्शन है। श्रद्धा गुण का परिणमन तो हो ही रहा है, चाहे वो मिथ्या रूप हो रहा हो और चाहे वो सम्यक रूप हो रहा हो। एक आप लोगों को एक एग्जाम्पल देके फिर आप अपनी इस बात को समाप्त करेंगे, त्रिकाली उपादान वाली बात को। आप लोगों ने आदरणीय सुमत जी भाई साहब से एक बहुत उदाहरण सुना होगा जो अक्सर वे देते हैं, नाली में पड़ा हुआ हीरा, है ना। कितना कितनी बार, क्या कोई ऐसा है जिसने वो उदाहरण नहीं सुना हो, इधर में से कोई है क्या? सभी ने वो सुना ही है। वो नाली में पड़ा हुआ हीरे की भी कितनी वैल्यू है बोलो, वो वैल्यू किससे है? क्योंकि उसके द्रव्य पूरा है, गुण पूरा है। तो मैं आपसे पूछूं, निगोद रूपी नाली में पड़ा हुआ जीव द्रव्य की वैल्यू कितनी है? वो अपन कैसे कह पाते हैं कि उतनी है बोलो। मैं आपसे पूछूं, जीव रक्षा का आधार क्या है? यही है। मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, चरणानियों का आधार क्या है? ये त्रिकाली उपादान है। क्यों? क्योंकि हम उसी द्रव्य को देख रहे हैं। जैसे त्रिकाली उपादान क्या कह रहा है, उदाहरण, नाली में पड़े हुए हीरे की भी कितनी वैल्यू है? जितने सिंहासन पर रखे हुए हीरे की वैल्यू है। वैल्यू में कोई अंतर नहीं है, डिफरेंस किस बात का है कि एक अच्छे डब्बे में रखा हुआ है और एक नाली में पड़ा हुआ है। सोचो, एक जीवत्व सिद्धालय में विराजमान है सुंदर डब्बे में और एक जीव निगोद में है। ये त्रिकाली उपादान कहता है कि द्रव्य में और गुण में कोई अंतर नहीं है। जो अपन ये कह पाते हैं ना, उन जीव के द्रव्य के द्रव्यत्व पने में और गुण पने में कोई अंतर नहीं है। सोचो, हम उस चींटी को क्यों नहीं मारते? क्योंकि नहीं मारना चाहिए, इसलिए। ये तो फिर आज्ञा से आपने माना। हम चींटी को क्यों नहीं मारते? जवाब बोलो। क्योंकि हमारा यही तो उत्तर होता है ना, क्योंकि वो चींटी भी हमारी और आपकी तरह जीव द्रव्य है और उसमें भी हमारी और आपकी तरह अनंत गुण है। हम कैसे देख रहे हैं? उन पर्यायों में भी उसके पास द्रव्य ज्यों का त्यों है, गुण ज्यों के त्यों है। फिर अगला प्रश्न हमारे और आपको खड़ा होता है, साहब एक बात बताओ, सच सच बताना, जब द्रव्य ज्यों का त्यों है, गुण ज्यों का त्यों है, फिर पर्याय क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं हो रही पर्याय? जब तुम स्वभाव से सिद्ध हो, द्रव्य से सिद्ध हो, पर्याय से सिद्ध क्यों नहीं हो रहे? तो अब यहां पर ये हमने एक अंश समझा था ना, अब हमें यहां शिफ्ट होना पड़ेगा। आप लोग तब तक नोट्स जल्दी से लिख लीजिए, मैं देखता हूं कुछ छूटा हुआ हो तो जल्दी से बता दूंगा आपको। चलिए हो गया है, अब आगे बढ़िए। प्रश्न ख्याल में आ रहा है? हम आगे किस आगे बढ़ने का स्टेप समझ में आ रहा है? सोचने वाली बात है, जब हमारा द्रव्य पूरा का पूरा है, गुण पूरा का पूरा है, तो भाई साहब हम संसार में क्यों हैं फिर? सोचने वाली बात है कि नहीं? जब हम स्वभाव से, माने अपन पढ़ते हैं ना, सुनते हैं, कितना प्रोफेशन में सुनते हैं, स्वभाव से पूरे पूरे सिद्ध हैं, स्वभाव में कोई कमी नहीं है, गुण में कोई कमी नहीं है, फिर क्यों नहीं हमारी सिद्धत्व की दशा हो रही है? फिर क्यों अभी भी हम रागी द्वेषी हैं? तो सुनो, अगर इसी सिचुएशन में दूसरा चेंज करूं, अब किसी ने यह बात सुन ली कि द्रव्य भी पूरा पूरा और गुण भी पूरा पूरा, तो जो निगोद में सोई मुझ में सोही मोक्ष मजार, वो बेदी पे जाके बैठ जाए। अथवा आप में से कोई सरफिरा आलू को रख के वेदी पे रख दे और हम कहे ये क्या नौटंकी है? अरे भाई साहब आपने पढ़ी नहीं? क्या नहीं पढ़ा? जो निगोद में सोही मुझ में सोही मोक्ष, और तीनों को, भगवान को भी वैसे कोई करता नहीं है, लेकिन भगवान भी यहाँ बैठे, आप भी यहाँ बैठ गए, अब बगल में आपने आलू गाजर मूली ऐसे रख लिया, सोए, अब ये सही हो गया? अगर आपको ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, अगर आपको ऐसे प्रश्न हो करने के, तो फिर हमें भी आगे वाला भाग समझना पड़ेगा। अब यही हमें बताएगा कि हम पर्याय में अशुद्ध क्यों हैं, यही हमें बताएगा कि द्रव्य पूरा होने पर भी हमारी वैसा पर्याय में व्यक्त क्यों नहीं हो रहा। चलिए बिना किसी देरी के और बिना किसी भूमिका को बनाते हुए जल्दी से आते हैं, क्षणिक उपादान नंबर एक और क्षणिक उपादान नंबर दो। शब्द थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, लेकिन समझने का प्रयास करेंगे तो जरूर आएगा।
क्षणिक उपादान नंबर एक, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। क्षणिक उपादान नंबर दो, तत्समय की योग्यता। आप लोग अगर चार्ट बना रहे हैं तो जल्दी से अपना पूरा कर लीजिए, मैं तब तक रब करके आगे की तैयारी कर रहा हूं। नाम थोड़ा सा बड़ा है लेकिन समझना उतना ही आसान है। आपको इसका स्वरूप बिल्कुल समझने की जरूरत नहीं अगर नाम याद हो गया, अथवा समझ में आ गया तो नाम भी याद हो जाएगा। ध्यान से देखना आप लोग, सबसे पहला शब्द है अनंतर। इसका क्या अर्थ है? एक होता है अंतर, अंतर समझते हो? जैसे ये किसकी, अच्छा मैं आपसे पूछ ही लूं जल्दी से, ये द्रव्य की शक्ति है कि पर्याय की शक्ति? पर्याय की। तो किसकी मुख्यता से बात चलेगी? पर्याय से। तो बात कहाँ है? पर्याय की। सुनो सुनो सुनो, सोचना, एक पर्याय के बाद दूसरी पर्याय जो होती है, क्या एक पर्याय के होने में दूसरी पर्याय के होने में कोई अंतर है? अंतर मतलब एक के बाद दूसरी हुई, दूसरे के बाद तीसरी हुई, तीसरे के बाद चौथी हुई, तो क्या इसमें कोई गैप पड़ता है? क्या इसमें कोई एक तरीके का रुक जाता है? सोचो, अनादिकाल से अनंतानंत पर्याय हो चुकी हैं। जस्ट इमेजिन कि एक समय को ही पॉज हो जाए, पॉज समझते हैं, रुक जाए, स्टॉप हो जाए। जैसे आप लोग वीडियो पॉज कर देते होंगे ना, ऐसी मान लो कि वो एक पर्यायों का प्रवाह क्रम है ना, प्रवाह क्रम समझते हो आप लोगों ने, वो देख ना एस्केलेटर देखा होगा, देखा है? अपन जब स्टेशन से जाते हैं, मॉल्स वगैरह में घूमते हैं, जो जिसमें भी घूमकर आया, तो उन जब हम जाते हैं तब तो आप देखते हैं कि उसमें सीढ़ियों का एक प्रवाह क्रम है। प्रवाह क्रम समझते हो? एक, अब जब भी आप चढ़ो ना तो आपको प्रवाह क्रम याद आना चाहिए। एक प्रवाह क्रम, प्रवाह क्रम क्या मतलब? एक के बाद एक, एक के बाद एक सीढ़ी आती जाती है कि नहीं आती जाती है? ऐसी ही द्रव्य में पर्यायों का एक प्रवाह है। प्रवाह समझते हैं? प्रवाह किसे बोलते हैं? बहने का नाम प्रवाह है। नदी का एक प्रवाह होता है ना, तालाब का कोई प्रवाह नहीं होता, तालाब ठहरा रहता है, और प्रवाह किसका होता है? नदी का। बहते का नाम नदी है, जो बहे जिसमें प्रवाह हो। ऐसे ही पर्यायों का भी प्रवाह है। प्रवाह का मतलब बहना, बहने का मतलब एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी, ऐसी पर्यायों का एक प्रवाह। कैसा है? विशेषण नंबर एक, अनंतर। अनंतर माने बिना अंतर के। अपन अनपूर्वक निषेधात्मक बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? अंतर के बिना, यही क्रमबद्ध पर्याय सिद्ध करेगा। ध्यान से सुनना, इनडायरेक्ट वे में हम और आप यहां क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत भी इससे निकाल सकते हैं। क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत निकलेगा इसमें से, बिना, हाँ, क्रमबद्ध पर्याय बिना अंतर के पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। पीछे से चालू करें, किसे पकड़ा गया है? पर्याय में अंतर नहीं है। माने ऐसा नहीं होता एक पर्याय हो गई, ए लेट मी टू रिलैक्स, आराम से रिलैक्स हो रही है, अरे भाई सम्यक दर्शन हो जा, अभी नहीं, अभी मैं रिलैक्स मोड पे हूं। सोचो, माने ऐसा हो कि अपना सम्यक दर्शन होने को हो, वो सम्यक दर्शन रूपी पर्याय आ गई और पुरानी वाली हटे ही ना। सोचो, कभी सोचा? एक बात आप लोगों ने पढ़ी, उत्पाद व्यय द्रव्य सब पढ़कर आए हैं, मिथ्यात्व का जब तक व्यय नहीं होगा तब तक सम्यक्त्व का उत्पाद नहीं होगा। मिथ्यात्व का व्यय और सम्यक्त्व का उत्पाद, और उत्पाद व्यय होते हुए भी द्रव्य, ये तीन अलग अलग समयों में नहीं होता, एक ही समय में होता है। जस्ट इमेजिन कि कभी ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए कि आपने तो पूरी क्षयोपशम विशुद्धि देशना प्रायोगकरण पांचों लब्धि पूर्वक सम्यक दर्शन रूपी पर्याय की उत्पत्ति कर ली, भाषा है ठीक है, व्यवहार की भाषा है, आपने सम्यक दर्शन रूपी पर्याय की उत्पत्ति कर ली, वो तैयार है, आप भी उसका वेलकम करने के लिए तैयार हो, लेकिन मिथ्या दर्शन रूपी पर्याय अड़के रह गई। क्या उसका रीजन सुनना, रीजन भी आपको वैलिड लग सकता है। अब वो कह रही है, मैं क्यों जाऊं, अनादिकाल से मैं ही तो राज्य कर रही हूं, बोलो अपन हटते हैं,
अगर आप 5 मिनट से सीट पे बैठ जाओ और मैं कहूँ हट जाओ, हम क्यों बैठे, हम 5 मिनट से बैठे, हम क्यों बैठे, हम 1 घंटा से बैठे, हम काहे हटे। ऐसे ही मान लो कि वो मिथ्या दर्शन रूपी पर्याय भी कहने लगे, हम काहे हटे, तो मैं पता है हम कब के हैं, तुम तो अभी की आ गई, मतलब सम्यक दर्शन, ये सम्यक दर्शन रूपी पर्याय तुम तो अभी के आ गए, हमारा साम्राज्य अनादि से है, क्यों नहीं होता, सोचो, पता है क्यों नहीं होता, क्योंकि यहां कहा जा रहा है कि वो जो पर्याय है ना, ये इधर देखो सब लोग, बातें बाद में कर लेना, क्या है इसका मतलब, क्षणवर्ती, सुनो जैन धर्म का क्षण भी सुन लो, वो लौकिक में भी अपन बोलते थे कि क्षण क्षण, और जैन धर्म का क्षण सुन लो, जैन धर्म के अनुसार एक समय मतलब एक क्षण, इसका मतलब वो पर्याय कितने समय की है, क्षणवर्ती पर्याय, ये किसका बोलो, अनंतर भी, पूर्व भी और क्षणवर्ती भी किसके विशेषण है, पर्याय के, इसका मतलब पर्याय कैसी होती है, विशेषण नंबर 1 बिना अंतर के होती है, विशेषण नंबर 2 एक समय की ही होती है, इसीलिए आज तक कोई भी पर्याय ऐसी अड़ी नहीं, सोचो अपन निगोद से निकलने के लिए तैयार, अब वो मना करे नहीं, हमने अनादि काल से तुम निगोद में ही हो, हम क्यों जाने दें, क्यों नहीं होता ये इसीलिए नहीं होता, तो क्षणवर्ती पर्याय, और किस पर्याय को लिया गया है, और यहां पूर्व का मतलब है पास्ट, तो भाई साहब ये क्या समझा रहे हो आप, अनंतर, पूर्व, क्षणवर्ती पर्याय ये इनकम्प्लीट है, अनंतर, पूर्व, क्षणवर्ती, ध्यान दो, अनंतर, पूर्व, क्षणवर्ती पर्याय का व्यय क्या कर रहे हैं हम, पर्याय का क्या करें, अनंतर, पूर्व, क्षणवर्ती पर्याय का व्यय, ये है क्षणिक उपादान नंबर 1 कारण, ये कारण है, कौन सा कारण है, पूर्व पर्याय जाती है तभी उत्तर पर्याय आती है, तो पूर्व पर्याय का जाना भी कारण है, सोचो बिना पूर्व पर्याय हटाए आप नवीन पर्याय कैसे करोगे, जमा होता जाएगा, देखो मैं आज मेरे पास समय कम है ना, इसलिए मैं बता नहीं सकता, आप में से जो अच्छे अच्छे जो स्वाध्याय करने वाले लोग हैं ना, अरे अच्छे जो लोग हैं, आप इसमें ना भाव अभाव नामक 6 शक्तियां लगा सकते हो, अब मैंने बोल दिया, आप समय सार के परिशिष्ट में पढ़ना, भाव शक्ति अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव भाव शक्ति, ये क्या है, ये आपको पता है, ये इसे ही बताएंगे, जो पर्याय होनी होगी वही होगी, दूसरी नहीं होगी, एक पर्याय के होने पर अभी जो पर्याय है उसका अभाव हो जाएगा, अभी जो पर्याय नहीं है उसका भाव हो जाएगा, जब जो पर्याय होनी होगी वह उसी वक्त होगी, जब जिसका अभाव होना होगा उसका अभाव ही होगा, ये इसके कारण अनंतर, पूर्व, क्षणवर्ती पर्याय का व्यय, ये कारण है, बोलो सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा, अब इसके माध्यम से उत्तर बोलो, क्योंकि मिथ्या दर्शन रूपी पर्याय का व्यय नहीं है, तो व्यय नहीं है तो माने वो अड़ गया होगा, वो तो अड़ गया होगा, तो नहीं ऐसा नहीं है, आपको पता है एक बहुत सुंदर बात इसने हमें और आपको समझा दी, बहुत अच्छी बात समझाई, अगर आप लोग ध्यान से देखो तो सोचने में आ जाएगा, अनंतर, पूर्व, क्षणवर्ती पर्याय ये कारण है, इसने पता है क्या समझाया हमें और आपको, कि कार्य होने से पूर्व ही उसका कारण होता है, समझ में आ रहा है क्या बोल दिया, जैसे ये 1 नंबर की पर्याय है, ये 2 नंबर की पर्याय है, ये 3 नंबर की, ये 4 नंबर की, ये 5 नंबर की, ध्यान से सुनना, 3 नंबर की पर्याय इसे हमने ले लिया कार्य, आराम से सुनना, तो इसमें जो अनंतर, पूर्व, क्षणवर्ती पर्याय का व्यय कौन सी होगी, दूसरे नंबर की पर्याय, यहां यह कहा जा रहा है अनंतर, पूर्व, क्षणवर्ती पर्याय का व्यय, माने दूसरी पर्याय का व्यय, व्यय ये क्या है, कारण है, इसका मतलब तीसरी पर्याय के होने से पहले ही उसका कारण है,
पॉइंट बहुत भजन है, अगर मेरे पास समय होता ना तो मैं एक घंटा बोलता है इसके ऊपर, इतना माल है। मैंने आपको एक सिर्फ सेंटेंस में बोल दिया। इसने हमें और आपको ये समझा दिया कि कार्य होने से पहले ही उसका कारण विद्यमान है। सुनो सुनो, जब कोई भी काम करने के लिए सोचो ना, तो ये मत सोचना अभी भाई साहब अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ, अभी तो मैं कर नहीं सकता, अभी तो मैं लड़का हूँ, अभी तो मैं लड़की हूँ, अभी तो मैं ऐसा नहीं हो सकता, अभी तो मैं बच्चा हूँ। ये पता है क्या सिखा रहा है? तुम्हें कारणों का इंतजार नहीं करना है, तुम्हें कारण का वेट नहीं करना है। प्रश्न समझ, मतलब भाव ख्याल में आ रहा है? हमें और आपको कारण का इंतजार नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू जैन धर्म, अकॉर्डिंग टू जैन सिद्धांत, कार्य होने से पूर्व ही उसका कारण है। इससे क्या होगा? इससे हमें यह समझ में आ गया कि जब कोई कार्य होना होगा तो वो कारण का इंतजार नहीं करेगा, क्योंकि उसके पूर्व विद्यमान है। बहुत भाव है इसमें, बहुत भाव है। आपको पता है क्या दिखाई देता है? अब ध्यान से समझना, बहुत सरल कर रहा हूं मैं इस विषय को। हमें और आपको, जैसे ये पर्यायों का एक प्रवाह क्रम है ना, ये, और मान लो कि नौवीं पर्याय पे आकर कोई व्यक्ति एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल बन गया। कब बना? इस पर्याय पर आकर। लेकिन पता है जैन धर्म क्या कह रहा है? हम पता है क्या देखते हैं? उसकी नौवीं नंबर की पर्याय का जो कार्य हुआ ना, वो जो सक्सेस हो गया ना, तो आज हमें, देखो मैं बहुत सरल करता हूँ, आज हमें और आपको दादा का स्टार्डम दिखाई देता है। आज हमें और आपको ऐसा लगता है, अरे दादा के लिए कितने सारे लोग खड़े हुए हैं, कितने सारे लोग उन पर इतनी श्रद्धा रखते हैं, कितने सारे लोग उनका कृपा पाने के लिए, मतलब इतना लगता है ना, आज इतना सब कुछ खड़े हैं। आप क्या देख रहे हो? आप कार्य देख रहे हो। रुको, जैन धर्म के अनुसार एक कार्य होने से पहले वो जो एक पर्यायों का प्रवाह क्रम है ना, आपने उसे नहीं देखा। किसे नहीं देखा? इन पूर्व की पर्यायों के प्रवाह क्रम में जो अनंत अनंत मेहनत हुई है ना, कुछ ख्याल में आ पा रहा होगा? हम क्या करते हैं? कार्य को देखते हैं। आज आपको किसी, यार ये बिल गेट्स बन गए, यार ये बन गए, यार ये हो गया, इनका हो गया, ये पढ़ाई में होशियार निकल गया। आप क्या देख रहे हो? आप मार्क्स देख रहे हो, आप पढ़ाई की होशियारी देख रहे हो। वो कार्य है। क्या आपको पता है उस कार्य से होने से पहले एक पर्यायों का प्रवाह क्रम था? सुनो, कोई भी कार्य ऐसे ही नहीं हो जाता, उसके पहले से पर्याय का प्रवाह क्रम रहता है। आपको पता है बोलचाल में अपन बहुत बोलते हैं इस बात को। पता है कैसे बोलते हैं? जैसे किसी पे अपन जैसे देख रहे हैं, आप में से कोई बातें कर रहा हो, वैसे अभी तो नहीं कर रहे कोई, लेकिन कोई बातें कर रहा हो, मैंने देख लिया, फिर बातें करने लग गया, फिर मैंने देख लिया, अब वो मोबाइल चलाने लग गया, मैंने देख लिया, अब वो बातें करने लग गया, डिस्टर्बेंस करने लग गया, फिर मैं खड़ा हो गया, क्या कर रहे हो तुम, खड़े हो जाओ, इतनी देर से मैं देख रहा हूँ, बर्दाश्त नहीं हुई मुझे। अब आपको क्या दिखाई देगा? इनने मैं गुस्सा कर दिया, इनने मैं सबके सामने चिल्ला दिया। लेकिन सुनो, वो जो गुस्सा रूपी कार्य हुआ ना, हो रहा था ना, वो अपन बहुत बार कहते हैं, हम बहुत देर से देख रहे थे, हमें बर्दाश्त नहीं हुआ, बहुत देर से देख रहे थे, वो पर्यायों का प्रवाह क्रम, बहुत देर से देख रहे थे, हम बहुत दिनों से बर्दाश्त, अपन बोलते कि नहीं बोलते हैं, हम तुझे बहुत दिनों से बर्दाश्त कर रहे हैं, अब नहीं करेंगे, हम बहुत दिनों से देख रहे थे तुम मेरे साथ ऐसे ही करते हो, अब नहीं। ये क्या है? माने वो जो कार्य हुआ ना, वो अभी नहीं हो गया, वो बहुत दिनों से देख रहे हैं। इसके घरों की प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। अब मैं आपको, अभी कोई है नहीं ना, मतलब बहुत डीप में जाना आप लोग, मेरे पास समय नहीं है इसलिए मैं नहीं जा पा रहा हूं। आप कार्य देखते हो, लेकिन उसके पूर्व ही कारण कैसा हुआ वो नहीं देखते कभी। आपने डांट रूपी कार्य देखा, अपनी गलती रूपी कारण देखा, जल्दी बोल गया। आपने कम नंबर रूपी कार्य देखा, नई मेहनत रूपी कारण देखा। सोचो, खूब सारे आप लोगों को प्रश्न होंगे कि हमें सपोर्ट नहीं किया जाता, हमें आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, इन्हें सपोर्ट किया जा रहा है, इन्हें आगे बढ़ाया जाता है, इनके बहुत सारी कंप्लेन। ये कंप्लेन करने वाले क्यों पता है? कंप्लेन करने वाले सिर्फ कार्य को देख रहे हैं। कोई अगर आपसे बुरा भी हो रहा है तो उसका कारण है, और कोई किसी के प्रति सॉफ्ट नेचर वाला हो रहा है तो उसका भी पूर्व में कारण है। एक वो प्रवाह क्रम है। कोई ऐसे ही किसी के प्रति सॉफ्ट, किसी के लिए ऐसे नहीं हो जाता। कोई आज सक्सेस हो गया तो उसका एक प्रवाह क्रम है, प्रवाह क्रम है।
उस अनंतर पूर्व क्षणवर्ती में क्या क्या हुआ है जरा वो विचार करना। आज कोई गरीब है तो पूर्व क्षणवर्ती, आज आपके पास कम पैसा है तो पूर्व, कुछ समझ में आ रहा है? ये बंद और उदय में भी लगेगा, मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, बंद और उदय में भी लगेगा, विचार करना। कितना हो गया समय? समय तो हो गया, तत्समय की योग्यता अंतिम रह गया है। तो आप तत्समय की योग्यता मतलब भवितव्य होता है, भवितव्य मतलब होनहार होता है, और होनहार का मतलब ये, सुनो, अगला है तत्समय की योग्यता, जल्दी से समझ लीजिए, अपने पास पीरियड्स कम है, समय भी कम है, तो अभी थोड़ा बहुत समझते हैं। अगर मुझे ऐसा लगा तो मैं कल भी इस पर बात कर लेंगे, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है, तत्समय की योग्यता। इसे ही जैन धर्म में भवितव्य कहा जाता है और इसे ही जैन धर्म में होनहार कहा जाता है, ठीक है? आप लोग जरा विचार करना कि तत्समय की योग्यता मतलब क्या, कि सम्यक दर्शन। अब आप पूछोगे कि साहब इसका व्यय हुआ फिर इसके बाद यही क्यों हुआ, यही क्यों हुआ? तत्समय की योग्यता है। साहब इसके बाद ऐसे ही क्यों हुआ? ये उस समय की योग्यता है। साहब मिथ्या दर्शन के बाद अगली पर्याय सम्यक दर्शन रूपी क्यों हुई? उस समय की योग्यता है, उस समय की योग्यता है। और अंतिम बात कह के समाप्त करूंगा, ये तत्समय की योग्यता अहेतुक है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रश्न, जैसे ही मैं इस योग्यता को समझाऊंगा वैसे सबसे बड़े प्रश्न आपको, साहब यही क्यों है, ऐसे ही क्यों है, इसके बाद यही पर्याय क्यों होनी है? अहेतुक है। उस समय पे वही पर्याय क्यों होगी? वो तत्समय की योग्यता से होगी, लेकिन उस समय तत्समय की योग्यता ऐसी ही क्यों थी? वो अहेतुक है। प्रश्न समझ में आ रहा है, ख्याल में आ रहा है? आप लोग सोचना, विचार करना, बाकी की चर्चा थोड़ी सी तत्समय